द टका टक न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं, पाए लेटेस्ट न्यूज अपडेट यहां हर पल हर खबर। सुरजीत भाई आइए आइए सेंटर आइए स्वस्ति न इंद्रो वृषश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिषणेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कृङ्गदस्वा मरुतः पृथ्वीमातरः सुभञ्जावातो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा भरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमन्निः भद्रं कर्णे सुर्याम देवा भद्रं पचेमाक्ष विजराः चिरेरङ्गे सुष्वा कुंसतनु विवशे महि देवैतञ्जदायुः शरमिन्दु शरदो वन्ति देवा जत्रानशक्राजर सन्तनु नाम मैदान में। तो ये अब समय आ गया है कि हम ऐसी अश्लील वेब सीरीज़ या ऐसे अश्लील जितने भी ये सीरियल्स होते हैं या जो भी कुछ बॉलीवुड में चला आ रहा है उसके ऊपर एक रोक लगे, और उसके लिए करणी सेना महाराष्ट्र में पूरी तरह से तत्पर है। और हम ये सोचते हैं कि जब इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी तो अपने आप समाज में जो ये घिनौने अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगेगी, क्योंकि आज अगर समाज में कुछ भी जो अपराध हो रहे हैं वो सब कुछ श्रेय जाता है इस तरह की वेब सीरीज़ को और इस तरह के सीरियल्स और इस तरह की मूवीज़ को। तो जब अगर उन पे रोक लगेगी तो अपने आप अपराधों पे एक अंकुश लगेगा। देखिए, अश्लील वेब सीरीज़ डेफिनेटली हमारे समाज में कहीं ना कहीं चीज़ों को हैम्पर करती हैं, और जिस तरीके से आजकल हम ये रेप वगैरह और ये सब देखते हैं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि ये जो मेंटल स्टेटस है लड़कों का, यंग जनरेशन का, वो उसको ख़राब करता है। और आज के लिए थोड़ा ईजिली अवेलेबल है, पहले क्या होता था लोगों को दुकानों पर जाकर के सीडीज़ खरीदना और ये वो, तो उस पर भी कई बार चेकिंग वगैरह होती थी तो नहीं मिल पाता था। बट अब क्या है, सस्ते सब्सक्रिप्शन लाइक 49.99 पे आप एक ऐप सब्सक्राइब करिए और उस पर ये चीज़ें आप पूरे साल देख सकते हैं। अब अगर आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो क्या करेंगे, क्या यही उल्टे सीधे कांड करेंगे? और वही उल्टे सीधे कांड आज जैसे हाथरस जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम पूरा जिम्मेदार नहीं बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। और अगर इन चीज़ों को रोकना है तो इनको या तो आप सेंसर में लेकर के आइए या फिर इस तरीके के जो वेब्स ऐप्स हैं इनको आप लोग क्या कहते हैं बैन करें। इसके लिए हमने जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको लेटर लिखा गया है, और जो प्रसून जोशी जी हैं सेंसर बोर्ड के हेड उनको भी मैंने लेटर लिखा है, और मेरे को उनके रिप्लाई का वेट है। लेट्स सी क्या वो रिप्लाई देते हैं, और अगर वो नहीं दे पाते हैं कोई रिप्लाई तो फिर करणी सेना अपने तरीके से सक्षम है किसी भी तरीके के स्टेप को उठाने के लिए समाज के हित में। एकता कपूर की वेब सीरीज आएगी, काफी भगवान वर्ष आपको बताने की जरूरत है। जी 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 जी, अगर महिला कोई गलत काम करती है तो उसके लिए आप हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष की बात नहीं हो रही है, गलत काम गलत होता है फिर वो चाहे। और वहाँ पे जो एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी में जो सीरीज़ थी वो मिलिट्री बैकग्राउंड को दर्शाते हुए किया गया था, और मैं खुद एक नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ तो मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट रहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कि आप यूनिफॉर्म को हम किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकते हैं। और आज हमारा 8 अक्टूबर है, वायुसेना दिवस है, तो हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल रोकेंगे, क्योंकि वायुसेना हो चाहे थल सेना हो चाहे जल सेना हो सब सुरक्षा में तत्पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा नोटिस, जा चुका है अभी। और दूसरा, उन्होंने आगे होकर के माफ़ी भी मांगी थी, वो सीन भी हटाया था, और आगे मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वो आगे इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगी, और अगर दिखाती हैं तो करणी सेना जो कि इस चीज़ को हमेशा बोलती आ रही है कि नारी के सम्मान में करणी सेना मैदान में, वो दिखा के ही उनको बाधित करेगी कि वो आगे इस तरह की चीज़ें ना करें, चाहे वो एकता कपूर हो चाहे वो करण जौहर हो चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस से हो, पर इस तरह की अश्लीलता ना तो हम बर्दाश्त करेंगे और ना होने देंगे। आज आप देखेंगे बिग बॉस में भी किस तरह की आप संस्कृति दिखा रहे हैं, बिना शादी करे आप साथ में पैर बना देते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें आप दिखा रहे हैं जो आप यंग जनरेशन को उस और मोटिवेट कर रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों पे एक अंकुश लगना चाहिए, या फिर इनकी एक पूरी स्क्रिप्ट सेंसर बोर्ड के पास जाए कि वो क्या दिखाने वाले हैं और उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो आगे काम करें। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से जो भी दिखाते जाएं और अश्लीलता फैलाते जाएं और आगे आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति और सम्मान को ही भूलने के लिए वो आगे फॉलो करने के लिए बोलें। बिल्कुल अश्लीलता परोसी जाती है, और आप देखिए आज का जो यूथ है वो कहाँ किस लेवल पे अपराध होने लगे हैं। तो ये सारा, मैं तो बल्कि ये कहूँगी पूरा ही श्रेय इन वेब सीरीज़ को, इन सीरियल्स को, ऐसी मूवीज़ को दिया जाना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति सिखाने की बजाय ये इस तरह की चीज़ें परोस रहे हैं। आप दिखाना है आप दिखाइए ना, हिस्ट्री की चीज़ें उठा के दिखाइए। हिस्ट्री में आज इतनी सारे पन्ने हमारे हिस्ट्री के फाड़ दिए जा रहे हैं, उस हिस्ट्री को दिखाइए, अच्छे तरीके से दिखाइए। जनता आपका सम्मान करेगी, करणी सेना आपका सम्मान करेगी। आप अच्छी चीज़ दिखाइए, अगर आपको दिखाना भी है तो हिस्ट्री दिखाइए। आज यूथ जो इस तरह से अपनी इतिहास को भूल करके सिर्फ वेस्टर्न तरीके से अपनी ज़िंदगी जी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, ड्रग केस, ड्रग माफिया, ये सब, ये ग्लैमर वर्ल्ड उस और ले जाता है। ऐसी जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ये उस और यूथ को अट्रैक्ट करती है, तो इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी। देखिए हम करणी सेना कंगना रानौत की स्पोक्सपर्सन नहीं हैं, बट फिर भी मैं यही कहूँगी क्योंकि वो एक नारी हैं, हमारे भारत की नारी हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा था तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, बल्कि सिर्फ करणी सेना नहीं, मैं कहती हूँ हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि एक महिला के सम्मान में खड़ा हो, और करणी सेना ने भी वही किया। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में सबको एक मैसेज जाएगा कि महिला का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। देखिए राजनीतिक उसमें तो मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी, ये उनका खुद का डिसीजन है, वो जो भी करना चाहें, पर हाँ आगे भी अगर किसी भी महिला को या किसी भी एक्ट्रेस को या किसी एक्टर को भी अगर कोई परेशानी होती है तो करणी सेना बिल्कुल महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। मैं वही कहना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटी है तो ये ना सोचे कि दब जाएगा, हम पूरी नज़र रखे हुए हैं, करणी सेना पूरी नज़र रख के रखी हुई है सारे सेलिब्रिटीज़ पे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और ये देख लीजिए कि आगे आने वाले समय में करणी सेना इस लेवल पे काम करेगी कि आगे इन सबको कुछ भी गलत करते डर लगेगा, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई जो गलती करता है उसे छेड़ती है, फिर चाहे वहाँ दीपिका पादुकोण की जी की बोले महिला है लेकिन गलती करती है तो उसको करणी सेना छेड़ेंगी ही, चाहे वो कंगना रानौत जी है, जब उसके खिलाफ कोई गलत करता हो वो सच्चाई पे हो, जहाँ सच्चाई है वहाँ करणी सेना खड़ी है, ये हमारा बहुमत। करणी सेना राजकारण करना नहीं चाहती, करणी सेना समाजकरण करना चाहती है, और उसे समाज के इसमें महिलाएं आती है, जेंट्स आते हैं, सब आते हैं। उस समय जो माहौल था उस टाइम पर हम राजकारणिक माहौल, हमारा ये नहीं था कि हमको शिवसेना के विरोध में जाना है, हमको सिर्फ कंगना रावत को सपोर्ट करना है, यही हमारा उद्देश्य था। उसके उस वजह से हम सिर्फ कंगना रावत जी को सपोर्ट करने वहाँ गए थे, बल्कि शिवसेना के खिलाफ नहीं गए थे। हम शिवसेना का भी सम्मान करते हैं, आज मराठियों में, महाराष्ट्र में अगर जो अपराध की संख्या कम हुई थी वो पूरा श्रेय शिवसेना को जाता है। मैं बल्कि खुद यहाँ महाराष्ट्र में रहती हूँ, खुद काम करती हूँ यहाँ पे, और मैं खुद इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आज भी 3 बजे भी रात में अगर निकलती हूँ तो मैं सेफ़ फील करती हूँ। तो ये महाराष्ट्र का, मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र में आकर के हर महिला सेफ़ फील करती है, और शिवसेना को पूरा श्रेय जाता है इसके लिए। पर अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए करणी सेना बकायदा आवाज़ उठाएगी और रिक्वेस्ट करेगी शिवसेना को भी कि वो साथ दें। देखिए कहीं ना कहीं ये तार जुड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं ये तार जुड़े हुए हैं दुबई से और सरगना दाऊद इब्राहिम से, जो कि पूरा ड्रग माफिया चलाते हैं। तो ये पूरा श्रेय जो आज उनकी रिहाई हुई है और सब कुछ मामला एक ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है पूरा श्रेय वहाँ जाता है। और लेकिन आप ये मान के चलिए करणी सेना चुप नहीं बैठेगी, करणी सेना अभी भी अपने प्रयासों में लगी हुई है। हमने दिल्ली में जंतर मंतर में सपोर्ट किया है अंकित को और गणेश को, और हम आगे भी इस एम्स की रिपोर्ट को भी हम चैलेंज करते हैं। कार्यालय खुले मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुख्य उद्देश्य जो आप लोगों को मीडिया वालों को बुलाया गया है, और यहाँ के जो हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष देवी सिंह जी, उपाध्यक्ष डोमसे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष श्री संध्या ताई, प्रभारी बड़ी बहन जो है कीर्ति जी, और विशेष ऋचा जी का,
इन सब का धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनोद सिंह जी और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद कि आपने मुंबई में आज हमारा एक न्यू जो है तैयार किया। संगठन के महामंत्री होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात रही कि करणी सेना का कार्यालय मुंबई में स्थापित हुआ। आज हम लोग देखिए मुख्य उद्देश्य जो है वेब सीरीज़ को लेके है। वेब सीरीज़ एक ऐसा चीज़ है कि आज के युवाओं को और उनके करियर को एक तरह से ख़त्म करते जा रहा है और जो हमारे यहाँ क्राइम का जो ग्रोथ है वो बढ़ते जा रहा है। एक बिग बॉस जो सलमान खान जी चलाते हैं उसमें भी किसी भी कमरे में कोई भी किसकी वाइफ है का कोई किसी का हस्बैंड है, ये भी हम सलमान खान जी को विशेष निर्देश दे रहे हैं, चाहे उसे आप चेतावनी समझिए कि आप इस तरह के शो जब भारत देश में नहीं चला सकते। करणी सेना आपको इस तरह के शो चलाने के लिए परमिशन नहीं देती है। इसके लिए हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी करना होगा तो करेंगे। करणी सेना नारी के सम्मान में करणी सेना मैदान में ये वेब सीरीज यूट्यूब पे जो दिखाया जा रहा है और अभी कोरोना के वजह से सब लड़के लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं और फेसबुक पर और मोबाइल पर सब ट्यूशन चालू है। तो यह ट्यूशन चल रहा है तो ये जो वेब सीरीज और यूट्यूब पे फालतू कुछ भी दिखाई दे रहे वो लड़के लोगों पे ऊपर असर पड़ रहा है, शिक्षा अपनी कमज़ोर हो रही है, ये तुरंत बंद करना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। जैसा चीन का सब वो ये बंद कर दिया अपना व्हाट्सएप पे, वैसा अपना भारत का भी यूट्यूब में जो हासिल आता है वो तुरंत बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको रोक लगाना चाहिए क्योंकि कोरोना के वजह से सब शिक्षा घर पे ऑनलाइन चल रही है, सब लड़के ऑनलाइन देख रहे, अभ्यास करते करते यूट्यूब चालू कर देते, कोई किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता। ये सब समझना चाहिए महाराष्ट्र सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी। तंत्र जो रचा जा रहा है हम लोग ये चेतावनी देंगे फिल्मी भांडों को कि ये जो रोका जाए इसी को, नहीं तो करणी सेना आज जो तरीके से भंसाली का हाल किया है उसी तरह से हमारी करणी सेना उस भाषा में उनको समझाने की पूरा प्रयास करेगी। आज हमारे भारत के अंदर 27 राज्यों में हमारी करणी सेना आज कार्यरत है और आज महाराष्ट्र के अंदर हमारा ये कार्यालय आज 7वां कार्यालय आज महाराष्ट्र में खुला है और बम्बई के अंदर मुंबई में यहाँ से प्रदेश कार्यालय है और यहाँ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरा कार्यालय यहाँ से शुरू रहेगा। और हम लोग फिल्म सिटी को यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं, इसके बाद में कोई भी असली चित्रपट आने की बताने की कोशिश करेंगे तो करणी सेना उनको उनके भाषा में जवाब देगी। देखिए क्या है ना कि हमेशा जो है करणी सेना ने जो है बॉलीवुड में जिस तरह का किसी महिला के ऊपर कुछ भी बना देते हैं, ना हमसे पूछते हैं ना इतिहास उनको पता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर रखता था कि भाई हमें मुंबई में कुछ करना चाहिए। मुंबई में इसलिए ऑफिस रखा गया कि अब ये लोग जितने भी फिल्म लाइन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कुछ भी बना रहे हैं जो कुछ अब कहीं ना कहीं इंटरफेयर करणी सेना का डायरेक्ट होगा। पहले क्या था महाराष्ट्र लेवल पे थे लोग पहुँच नहीं पाते थे, इस कार्यालय को यहाँ रखने का रीज़न है कि अब जो इस तरह की अश्लील वेब सीरीज या अदर शूटिंग हो रही है मुंबई के अलग अलग लोकेशनों पर उनको बताया भी गया है कि अब ना करें। देखिए क्या है ना अब है तभी हम लोग कर रहे हैं ना, हम क्यों आते करने के लिए इन चीज़ों के लिए। अब आप कौन है कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है हमें वो हम नहीं बता सकते आपको ना, मगर हाँ हमने बीच में हमने कई आज पिछले एक महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ भी गलत होती है उसकी गंध लग जाती है, जहाँ भी गंध होती है गलत की वहाँ करनी सेना अपने आप पहुँच जाती है। और ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है, किसी भी राज्य में कहीं भी शूट होगा करनी सेना जो है अभी तो प्यार से बात कर रही है, हम लोग सिर्फ बता रहे हैं कि बंद कर दो आप करो मगर एक सीमा के अंदर। हाँ। सीमा के बाहर नहीं। हम लोगों ने प्रकाश जावड़ेकर जी को सेंसर बोर्ड प्रसून जोशी जी को लेटर दिया है, रिमाइंडर भी दिया है अब नहीं देंगे। देखिए क्या है ना कि कभी भी किसी मुद्दे को लेके महिलाओं के प्रति लेके समाज के प्रति जो भी मुद्दे हैं जिस तरह के जो चीज़ चल रही हैं शुरुआत जो भी होती है करणी सेना से ही होती है। हैं बहुत से सामाजिक संगठन, मैं कोई बोलना नहीं चाहता कोई पहल नहीं करना चाहता या तो डर है उनको, पर करणी सेना हमेशा इन चीज़ों के खिलाफ खड़ी रही है और हमेशा फाइट की है जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। देखिए ये आप सही कह रहे हैं कि आम आदमी इधर नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए हमने एक यहाँ पे कमेटी बनाई है जो कि इस चीज़ को नज़र रखेगी पूरी तरह से और हमारे लोग पूरी जगह फैले हुए हैं जो पूरी इन्फॉर्मेशन्स को हम तक पहुंचाएंगे और हम उन पे
एक नज़र रख कर के आगे आने वाले समय में अंकुश लगाएंगे अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये सब लोग मेरे साथ पहले से ही भी थे। ऋचा जी के साथ पूरी नेशनल टीम खड़ी है। हाँ। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला होने के नाते यहाँ सबको ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ महाराष्ट्र की जो करनी सेना है वो स्ट्रांग है और राष्ट्रीय टीम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारे साथ संध्या ताई हैं, मैडम हैं, पंकज जी हैं, सुरजीत जी हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। और डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्यालय शुरू होने के बाद मुझे, मैं खुद इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो आपने पूछा ना कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं ही दे दूंगी कई बार तो इन्फॉर्मेशन तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगाना हमारे लिए बहुत आसान काम है। मैं खुद इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ तो हम लोग हैं काफ़ी अपने आप में ये सारी चीज़ों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए। बाकी तो करनी सेना है अपने आप में सक्षम किसी भी टाइप के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। सर, करनी सेना का यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हो, करनी सेना यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग के लिए या लोगों को मिलने के लिए यहाँ एक ऑफिस का उद्घाटन आज विमोचन में आपको सभी को बुलाया है, तो आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। यहाँ पे जो भी विक्टिम होगा, जो भी यहाँ पे एक वारदात होती है, अश्लील जो की पुतली यहाँ पे घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको बैन करने के लिए हम वहाँ आईटी दूरसंचार मंत्रालय को लेटर लिखे हुए हैं और उनसे मांग करें कि ये सब पूरा बंद होना चाहिए। बंद करने के साथ साथ भी जो ये वीडियो क्लिप के माफिया हैं इनके ऊपर गुनाह भी दाखिल होना चाहिए। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, इसके लिए करनी सेना ने आईटी सेल का गठन किया है और आईटी सेल उसके लिए अपना कार्य करेगी और उसके माध्यम से हमको उसकी सूचना मिलेगी। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। आवाज नहीं आ रही।